कैसे हैं आप लोग? वो आजकल एग्जाम का टाइम चल रहा है, कंपटीशन का टाइम है, और ऐसे में सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की और दिमाग के तेज होने की बहुत जरूरत होती है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि एग्जाम को कंप्लीट करें झट से, लेकिन क्या है कि बॉडी में स्टेमिना रहता नहीं है, चीजें याद रहती नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा उपाय जिससे कि आप अपने टफ से टफ एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने मंगाया है ये कैलिफोर्निया वॉलनट, ये 1 kg का पैकेट है, और ये जो है विद शेल है, ये शेल के साथ है, और इसका जो प्राइस है, और इसका प्राइस है 775 रुपया, और इस तरह के पैकेट में नज़र आता है। तो अभी मैं बताना चाह रही हूँ इसका न्यूट्रिशनल फैक्ट जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं, मैं पढ़ के बता रही हूँ, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है जो नज़र नहीं आएगा तो मैं बता दे रही हूँ पढ़ के। तो इसमें लिखा है कि पर 100 ग्राम में 654 किलो कैलोरी होती है, और इसमें फैट जो है जितना कि आपको 546 किलो कैलोरी फैट से मिलेगा आपको, और टोटल फैट इसमें है 65.2 ग्राम, और इसके अंदर जो सैचुरेटेड फैट है 6.1 ग्राम, और मोनो सैचुरेटेड फैट्स है 8.9 ग्राम, और पॉली सैचुरेटेड फैट है 47.2 ग्राम। ओ माय गॉड, और फैटी एसिड इसके अंदर नहीं है, ट्रांस फैटी एसिड नहीं है, ये सब साइंटिफिक बातें हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल और सोडियम नहीं है, और 13.7 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर, और 98.0 मिलीग्राम कैल्शियम है, कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है ये, और इसमें शुगर जो है 2.6 ग्राम होती है, क्योंकि कड़वा होता है, मिठास इसमें होती नहीं बहुत ज़्यादा, और इसमें जो है डाइट्री फाइबर 6.7 ग्राम होता है, और विटामिन ए 20.0 IU जो इंटरनेशनल यूनिट है विटामिन मेजर करने का, और विटामिन सी है 1.3 मिलीग्राम, और आयरन है 2.9 मिलीग्राम। और ये जो वॉलनट है, जैसे कि मैंने बताया, इन शेल है, यानी कि शेल के अंदर है ये वॉलनट। जैसा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि न्यूट्रिशन की कमी से स्टूडेंट तो सारे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, सबको पढ़ना है, सबको जॉब लेनी है, सबको कॉम्पिटिशन की फेस करना है, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और उनका दिमाग जो है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर होती है, चीज़ें याद रखने में देर होती हैं, और क्या होता है कि कुछ चीज़ें कहीं रख के भूल जाते हैं, क्वेश्चन याद किया तो एग्ज़ाम में रटा हुआ, वापस रिकॉल नहीं हुआ। तो इसके लिए जो है अखरोट जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ये दिमाग को बहुत ही तेज़ करता है, और ये जो है अगर आप डेली अखरोट खाएंगे तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी सुधार देता है, और यंग लोग में तो सुधारता ही है, अगर बढ़ती उम्र में भी अगर आपको दिमाग की सूजन या दाशी कमी, डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे रोग हो जाते हैं, उसमें भी अखरोट खाने से बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचता है। अखरोट खाने से याददाश्त तेज होती है, किसी चीज़ पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो फोकस की प्रक्रिया को बढ़ाता है, और जो है आपको कुछ सीखने की कला को भी वो बढ़ाता है, तो इसलिए दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा है ज़रूरी। और ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, इसमें कुछ लिखा है तो मैं बता देती हूँ, आप कहाँ खोजने जाइएगा, एक ही वीडियो में आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा। तो इसमें लिखा है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने ये आर्टिकल छपी है, वहाँ की स्टडी के अनुसार में अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोत है, साथ ही इस विटामिन ई की बहुत अच्छी मात्रा होती है, हेल्दी फैट दिमाग को स्वस्थ रखने और बेहतर संचालन के लिए ज़रूरी होते हैं, और यही विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, और मस्तिष्क कोशिकाओं को प्री रेडिकल से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, और ये हानिकारक कण कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं, और कैंसर जैसे गंभीर रोग को कारण बनते हैं, इसलिए ये जो है दिमाग की सेल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दिमाग के सूजन का कारण बनते हैं, तो इन सब प्रॉब्लम में अखरोट जो है बहुत ही लाभकारी होता है। ये इसमें लिखा हुआ था रिसर्च, तो मैंने इसमें से डाउनलोड कर लिया था, तो वो आपको पढ़ के बता दिया, ये मेरी जानकारी नहीं है। और अखरोट का सेवन करने से टेंशन जो है वो भी नहीं होता है, दिमाग जो है तनाव से मुक्त हो जाता है, और उसमें काम कार्य प्रणाली में काफ़ी सुधार हो जाता है। तो मैं जो हूँ इसको बाहर निकाल रही हूँ, ये देखिए ये अंदर से ऐसा निकला है, ये शेल के अंदर है, इसको फोड़ने से इसके अंदर से निकलेगा कुछ इस तरह का, देखिए इसकी शक्ल भी जो है दिमाग की तरह होती है,
और इसीलिए ये दिमाग को ज्यादा तेज करता है, क्योंकि इसका डिजाइन भी जो है वो ब्रेन के ही तरह होता है। और ये शेल के अंदर बंद रहता है, जैसे हमारा दिमाग बंद रहता है, ये कुछ ऐसा निकलता है अंदर से। और ये आपको छिला हुआ अखरोट ही मिलता है, इसके ऊपर भी हल्का सा छिलका रहता है, वो भी छिला हुआ मिलता है। ये इस तरह से शेल में बंद रहता है। इसको मैं बताऊंगी, इसको बहुत सारे लोग जो है इसको आपने देखा होगा दंत मंजन के एड में, इसको दांत से फोड़ लेते हैं। तो भाई सबका दांत इतना तेज होता नहीं है, इसको दांत से फोड़ लें। इसको फोड़ने के लिए जो है बहुत ही इजी ट्रिक है, इस ट्रिक से हम इसको बड़ी आसानी से फोड़ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको फोड़ना कैसे है। तो सबसे पहले आपको ये जो दो, जैसे दो अखरोट है, इसका दो तीन तरीका है फोड़ने का। एक तो कि इसके यहाँ पर जो है, इसके ऊपर जब आप आइएगा, यहाँ पे एक होल है, इस होल के अंदर जो है इसमें आपको कुछ नुकीली चीज घुसा करके इसको ऐसे कर दीजिएगा, तो ये अपने आप ही खुल जाता है। ये दूसरा तरीका है जो अब लोग पहले यूज करते थे, जिसे मेरी मम्मी यूज करती है, किवाड़ के बीच में डालती है और उसको फोड़ लेती है। तो चलिए दिखाते हैं मम्मी वाला तरीका, मम्मी कैसे फोड़ती है। तो देखिए ये जैसे अखरोट है, इसको यहाँ पे ले लिया, किवाड़ के बीच में डाला, देखिए किवाड़ में फंसाया, और देखिए ये इसको दबा रहा है किवाड़ से, और देखिए ये फूट गया। तो ये तो पारंपरिक तरीका था अखरोट फोड़ने का। अब मैं बताती हूँ इससे भी और शॉर्टकट तरीका। चलिए ये अखरोट लिया, अखरोट को यहाँ पर से, यहाँ पर ये होल है, इसमें कोई नुकीली चीज डाल कर दें, इसको यहाँ से देखिए ऐसे कीजिएगा, इजिली जो है ये अखरोट खुल जाता है। इसको तोड़ना बहुत ही आसान है, इसमें मैंने ज़्यादा ताकत लगाया नहीं। देखिए बस इसको ऐसे फोड़ देना है, तो चारों फिर खुल गया। एक की तरीका ये हुआ, देखिए अखरोट आपका बाहर निकल आया। अब मैं दिखाने जा रही हूँ तीसरा तरीका। और तीसरे तरीके में देखिए, ये अखरोट लेंगे और ये दोनों अखरोट को लेकर के एक दूसरे से दबा करके दबाएं, देखिए ऑटोमेटिक जो है ये फूट गया और इसमें से गिरी निकल आई। तो ये तीन तरीके से आप अखरोट को निकाल सकती हैं और इसको खा सकते हैं। तो मैंने तीनों तरीके बता दिए आपको अखरोट छीलने के, क्योंकि सबसे टफ काम यही होता है कि इसको देख के लोग डर जाते हैं कितना हार्ड शेल है, इसको कैसे छीले। तो जैसे भी छीले मैंने सारा तरीका बताया, मगर अपने दांत से ना छीले, क्योंकि वो टूथपेस्ट के सिर्फ ऐड में रहता है, किसी का दांत इतना मजबूत रहता नहीं है, और किसी किसी का रहता होगा, लोग छीलते भी होंगे, लेकिन मैंने तो कभी तोड़ा नहीं, मुझे लगता है मेरे दांत ही टूट जाएंगे। ना बाबा, दांत से मैं नहीं तोड़ूंगी इसको। तो अब अखरोट तो छील लिया है, अब इसको खाना कैसे है कि दिमाग तेज हो। दिमाग तेज करने के लिए इसको खाने का भी एक तरीका होना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अखरोट को छील करके इसकी चार पांच गिरी, जैसे कि आपका है ना, जैसे कि ये हुआ, एक हुआ, एक दो तीन, इस तरह से चार पांच गिरी को लेकर के इसको पानी में फुला देना है रात में, और सुबह में जो है इसको चबा कर ले खा लेना है, और जो पानी रहेगा इसका वो भी इसको पी जाना है। अब चूंकि इसका टेस्ट जो है थोड़ा कड़वा होता है, बहुत ही अच्छा नहीं होता है टेस्ट, थोड़ा कड़वा टाइप का लगता है, तो आप इसके साथ बादाम से भी दिमाग बहुत तेज़ होता है, तो पांच बादाम भी भिगो दे साथ में, वो भी दिमाग को तेज़ करता है। और चाहे तो किशमिश डाल दें, वो भी मीठी मीठी होती है, तो उसका फ्लेवर जो है बहुत मीठा हो जाएगा। और आप चाहे तो उसमें अंजीर भी डाल दें, तो अखरोट, बादाम, अंजीर, किशमिश, ये सब मिला करके पानी में भिगो दें, पांच बादाम और चार पांच गिरी अखरोट की, चार पांच नग किशमिश और एक या दो अखरोट ये अंजीर, इन सबको भिगो दीजिए कटोरी में, और सुबह में इसको खाली पेट या नाश्ते के साथ खाइए। और खाने से जो पानी में भिगोया, साफ करके भिगो ताकि वो पानी अच्छा रहे, तो उस पानी को पीजिए, बड़ा मीठा मीठा पानी लगेगा, और तब इसका कड़वापन ही महसूस नहीं होगा, और दिमाग जो है बहुत ही तेज होगा, और पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अच्छे नोट्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे स्कूल के साथ साथ अच्छी सेहत का भी होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी सेहत के साथ साथ दिमाग का तेज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। और दिमाग का तेज, हालांकि ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि इसको अपने डाइट में इस्तेमाल करें एग्जाम तक। है तो महंगा, लेकिन कम से कम एक दो के लिए भी रोज़ खाएं। मैंने खुद पे इसका एक्सपेरिमेंट किया था और मुझे इससे कंसंट्रेशन में काफ़ी हेल्प मिली थी। मैंने एक महीना लगातार खाया था ये अखरोट, तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ था, इसलिए मैं एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके दिमाग को ताजगी की ज़रूरत है, तो ये खाएं। और ऐसे ही बहुत सारे बीमारों के लिए है बेनिफिट, मैंने अपने एक और वीडियो में बताया है सारा इसमें और क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन फिलहाल अभी मैं इसमें सिर्फ दिमाग के लिए बता रही हूँ कि दिमाग तेज करना है तो अखरोट खाएं।
और ये वीडियो प्रमोशनल नहीं है, मैंने मंगवाया है तो इसीलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया ताकि सबको जानकारी मिल जाए। क्योंकि अखरोट आम तौर पे जो है कि ड्राई फ्रूट्स का नाम लेने में सबसे ज़्यादा हम लोग काजू बादाम किशमिश वो सबको ज़्यादा जानते हैं, अंजीर है अखरोट है ये सब उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको जानते भी नहीं ज़्यादा। और इसको लेने में बहुत लॉस होता है क्योंकि छिलके के साथ लीजिएगा तो इसका वज़न जो है आपको छिलका वेस्ट हो जाता है, अंदर से सड़ा भी निकलता है। और कैसे पता चले है कि सड़ा है, तो इसकी जो गिरी निकलती है अंदर से, जो गिरी निकल रही है तो उसको सूखी भी रहेगी, काली रहेगी, इसका स्मेल लगेगा कॉकरोच जैसा, तो समझ जाइए कि ख़राब है। और अच्छी रहेगी, इसका कलर लाइट रहेगा, बेस्ट ये होती है जो अखरोट ये लाइट कलर की होती है जो कि अच्छी लगती है। ये जो मेरा पैकेट था ये था रॉयल कैलिफोर्निया वॉलनट्स। तो ये थी अखरोट के बारे में जानकारी, मेंटल हेल्थ के लिए अखरोट कितना फ़ायदेमंद है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे और आप कुछ फ़ायदा हो इसे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।